कपकोट रीमा पुलिस चौकी अंतर्गत जारती निवासी एक 20,000 रुपए इनामी आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मारपीट करने का आरोप था तथा वह 5 महीने से फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम रखा था। इससे पहले पुलिस उसकी कुर्की कर चुकी थी। मामले का मंगलवार को खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार वर्मा ने बताया कि कपकोट थाने में रीमा जारती निवासी कैलाश सिंह पुत्र गोविंद सिंह के खिलाफ मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसकी सूचना मिलते ही आरोपी फरार हो गया था। अब उसे मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोट थाने का मुकदमा अपराध संख्या 52/22 है, तो इसमें हमारा जो ये अभियुक्त है, इसका नाम है कैलाश सिंह, तो ये जो है, ये उसके बाद से घटना करने के बाद से ये जो है फरार है, तो इसके लिए जो है हमने संभव जो इसके संभावित स्थान थे वहाँ पर हमने दबिश दी, लेकिन ये तब से लगातार फरार चल रहा है, तो इसके खिलाफ जो है हमने कोर्ट से NPW भी दिए थे, उसकी कुर्की भी कराई थी, लेकिन तब से ये जो है हर संभव प्रयास इसने किए हैं कि ये पुलिस की जो है चपेट से बाहर रहे। अभी हमारा अभियान चल रहा है 1 दिसंबर से मुख्यालय स्तर पे कि जो हमारे इनामी वांछित हैं उनको पकड़ना है, तो हमने और इसमें गहन प्रयास किए, तो हमें जो है पता चला कि इसकी ये जो है इंदौर में ये रह रहा है, तो उसके बाद हमने यहाँ से जो है टीम बना के इंदौर भेजी, तो अभी हमें जो है इसको पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इसके ऊपर जो है हमारी तरफ से 20,000 का इनाम घोषित किया था, तो अभी अभियान में हमारे जो थे पहले इनामी जो वांछित थे वो थे हमारे 5, फिर हमारे जो है बड़े बीच में, उसके बाद जो है अभी हमने सारे गिरफ्तार कर लिए, 11 थे उसके बाद हमने गिरफ्तार कर लिए, अभी ये 5 में से एक है, 4 बचे। सीसीएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।